दोस्तों, अगर आप भी राहुल तेवतिया को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों, गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों के खतरनाक गेंदबाजी के बाद आया दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों का खौफनाक कहर, जिसके सामने गुजरात टाइटंस की मजबूत बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। लेकिन गुजरात टाइटंस की तरफ से 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए राहुल तेवतिया ने इस एक तरफा मुकाबले में खौफनाक बल्लेबाजी से दर्शकों की सांसें रोक दी। तो आखिरकार गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की खौफनाक गेंदबाजी के बाद दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करके और राहुल तेवतिया के आखिरी ओवर में तूफानी पारी ने इस मुकाबले को किस कदर रोमांचक बनाया, दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो और साथ ही इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट भी। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और राहुल तेवतिया में कौन है बेहतर बल्लेबाज? वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथियों, टाटा आईपीएल 2023 का 44वां रोमांचक मुकाबला आईपीएल इतिहास की नंबर वन टीम गुजरात टाइटंस और आईपीएल 2023 के सबसे निचले पायदान पर रहने वाली दिल्ली कैपिटल के बीच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने आए दिल्ली कैपिटल के ओपनर बल्लेबाज कप्तान डेविड वार्नर और फिल्सार तो गुजरात की तरफ से गेंदबाजी में पारी की शुरुआत कराई। गुजरात के सबसे खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद शमी अपने पहले ओवर में अपना तेवर दिखाते हुए दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े और अपनी पहली ही गेंद पर ओपनर बल्लेबाज फिल्सार को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कराकर दिल्ली कैप्टन को पहला बड़ा झटका दिया। शॉट के बिना खाता खोले ही पवेलियन जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए प्रियंक गर्ग पहले ओवर में बिना खाता खोले ही एक विकेट गिर जाने के बाद मैच की जिम्मेदारी थी डेविड वार्नर के ऊपर, लेकिन डेविड वार्नर भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और गुजरात की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आए। कप्तान हार्दिक पांड्या की गेंद पर रन लेने के चक्कर में राशिद खान ने डेविड वार्नर को रन आउट करके दिल्ली कैप्टन को दूसरा बड़ा झटका। डेविड वार्नर ने आउट होने से पहले महज 2 रनों का योगदान दिया था अपनी टीम को। वार्नर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए रायलू रूसो तो ही गुजरात टाइटंस की तरफ से पारी का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए। मोहम्मद शमी दूसरे ओवर में भी दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। मोहम्मद शमी ने अपने कोटे के दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर रायली रूसो को रिद्धमान शाह के हाथों कैच आउट कराकर महज 16 रनों के निजी स्कोर पर दिल्ली कैपिटल को तीसरा बड़ा झटका देकर दिल्ली कैपिटल की कमर तोड़ के रख दिया। रायली रूसो के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए मनीष पांडे भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी अपने तीसरे ओवर में भी कहर बरसाते हुए मनीष पांडे को रिद्धमान शाह के हाथों कैच आउट कराकर 22 रनों के निजी स्कोर पर दिल्ली कैपिटल को चौथा बड़ा झटका दिया मोहम्मद शमी। मनीष पांडे के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए अक्षर पटेल। मनीष पांडे आउट होकर पवेलियन एंड में भी ढंग से नहीं पहुंच पाए थे, इसी बीच मोहम्मद शमी ने कहर बरसाते हुए प्रियंकर को भी रिद्धमान शाह के हाथों कैच आउट कराकर 23 रनों के निजी स्कोर पर दिल्ली कैपिटल को 5वां बड़ा झटका दिया। पारी के 5वें ओवर में 23 रनों के निजी स्कोर पर दिल्ली कैपिटल की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। प्रियंकर के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आमन खान 23 रनों के निजी स्कोर पर 5 विकेट गिर जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल 50 रनों तक जाते जाते ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन आमन खान और अक्षर पटेल ने दिल्ली कैपिटल की पारी को संभाला और 6वें विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी करके दिल्ली कैपिटल को संकट से उबारा। लेकिन इसी बीच पारी का 14 ओवर लेकर आए मोहित शर्मा ने अक्षर पटेल को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कराकर दिल्ली कैपिटल को 73 रनों के निजी स्कोर पर 6वां बड़ा झटका दिया। अक्षर पटेल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रिपल पटेल। अक्षर पटेल के आउट हो जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल अब यहां से ज्यादा देर तक सफर नहीं कर पाएगी, लेकिन अमन खान और रिपल पटेल ने बेहतरीन साझेदारी करते हुए दिल्ली कैपिटल के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। अमन खान और रिपल पटेल की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे दिल्ली कैपिटल 150 के स्कोर को आराम से पार कर जाएगी, लेकिन इसी बीच पारी के 19 ओवर में गेंदबाजी करने आए राशिद खान ने 51 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे अमन खान को अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट कराकर दिल्ली कैपिटल को 7वां बड़ा झटका दिया। अमन खान के आउट जाने के बाद रिपल पटेल भी 13 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 23 रनों की पारी खेलकर मोहित शर्मा की गेंद पर हार्दिक पांडे के हाथों कैच आउट हुए। अमन खान के 51, रिपल पटेल के 23 और अक्षर पटेल के 27 रनों के निजी स्कोर के बदौलत 20 ओवर में गुजरात टाइटंस को दिल्ली कैपिटल ने 130 रनों का लक्ष्य दिया। 130 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत भी काफी खराब रही। दिल्ली की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए खलील
अहमद ने गुजरात टाइटंस के ओपनर बल्लेबाज रिद्धिमान शाह को खाता खोलने का मौका नहीं दिया और अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर फिल शॉट के हाथों कैच आउट कराकर गुजरात टाइटंस को पहला बड़ा झटका दिया। रिद्धिमान शाह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या तो ही दिल्ली कैपिटल की तरफ से पारी का चौथा ओवर लेकर आए। एंड्री नाकिया ने शुभमन गिल को भी मनीष पांडे के हाथों कैच आउट कराकर गुजरात टाइटंस को 18 रनों के निजी स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका दिया। शुभमन गिल के बाद बल्लेबाजी करने के लिए गुजरात टाइटंस की तरफ से विजय शंकर दो बड़े झटकों से गुजरात टाइटंस पूरी तरीके से उभर भी नहीं पाई थी। इसी बीच पारी का पांचवा ओवर लेकर आए दिल्ली कैपिटल की तरफ से ईशांत शर्मा ने गुजरात टाइटंस के 26 रनों के निजी स्कोर पर विजय शंकर को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। 26 रनों के निजी स्कोर पर गुजरात टाइटंस के तीन बड़े खिलाड़ी मैदान से बाहर जा चुके थे। विजय शंकर के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए गुजरात टाइटंस के संकट मोचन डेविड मिलर तो ही पारी का सातवां ओवर लेकर आए। कुलदीप यादव ने डेविड मिलर को खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया और क्लीन बोल्ड करके गुजरात टाइटंस के 32 रनों के निजी स्कोर पर चौथा बड़ा झटका दिया। डेविड मिलर के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए अभिनव मनोहर और हार्दिक पांड्या ने 32 रनों पर चार बड़े विकेट गिर जाने के बाद संभल कर बल्लेबाजी करते हुए पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और 62 रनों की पार्टनरशिप करके गुजरात टाइटंस के स्कोर को 94 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच पारी का 18 ओवर लेकर आए खलील अहमद ने अभिनव मनोहर को अमन खान के हाथों कैच आउट कराकर 94 रनों के निजी स्कोर पर गुजरात को पांचवा बड़ा झटका दिया। अभिनव मनोहर ने अपनी टीम को 33 गेंदों पर एक छक्के की मदद से 26 रनों का योगदान दिया था। मनोहर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए गुजरात टाइटंस के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज राहुल तेवतिया। जिस समय राहुल तेवतिया मैदान पर आए उस समय गुजरात टाइटंस को 11 गेंदों पर 33 रनों की जरूरत थी। मुकाबला एक तरफा दिख रहा था लेकिन राहुल तेवतिया एक ऐसे बल्लेबाज है जो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। जिस समय राहुल तेवतिया बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए उस समय गुजरात टाइटंस को जीत के लिए चाहिए थे 11 गेंदों पर 33 रन। दिल्ली कैपिटल की तरफ से पारी का 19 ओवर लेकर आए नौरकिया के इस ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर राहुल तेवतिया ने तीन गगनचुंबी छक्के लगाकर मुकाबला गुजरात के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 12 रन। दिल्ली कैपिटल की तरफ से पारी का आखिरी ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा के इस ओवर में स्ट्राइक करते कप्तान हार्दिक पांड्या ने ईशांत शर्मा की पहली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलकर 2 रन लिया तो ही दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक राहुल तेवतिया को दे दी। सबको लगा कि 5 गेंदों पर 9 रन चाहिए आसानी से बन जाएंगे लेकिन गेंदबाजी कर रहे थे दिल्ली कैपिटल के सबसे पुराने चावल ईशांत शर्मा जो अनुभव से परिपूर्ण थे। ईशांत शर्मा ने अपनी तीसरी गेंद वाइड यार्कर कर रखी जिसे राहुल तेवतिया खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ तो ईशांत शर्मा की चौथी गेंद जिसे राहुल तेवतिया 6 रन मारना चाहते थे लेकिन गेंद बैट पर पूरी तरीके से आई नहीं और कमर पर खड़े रायली रूसो के हाथों में चली गई। इस तरीके से राहुल तेवतिया के विकेट का पतन हुआ। तेवतिया ने आउट होने से पहले 7 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 20 रनों की पारी खेली। तेवतिया के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आया राशिद खान। गुजरात टाइटंस को अब यहां से जीत के लिए चाहिए थे 2 गेंदों पर 9 रन लेकिन राशिद खान आखिरी के 2 गेंदों पर बस 3 ही रन बना पाए और गुजरात टाइटंस इस मुकाबले को 5 रनों से हार गई।